वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 5 जून को मनाया जाता है। थीम है टाइम फॉर नेचर और 1974 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया फोकस करेगा नगर वन यानी अर्बन फॉरेस्ट में, इन एडिशन टू द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। होस्ट करेगा कोलंबिया इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। नेक्स्ट है लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रिमोट सेंसिंग मेथड है जो लाइट को यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेजर टू मेजर रेंजेस एंड वेरिएबल डिस्टेंसेस। ये 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन देता है शेप ऑफ द अर्थ और इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसमें प्रिंसिपली होते हैं लेजर, स्कैनर और स्पेशलाइज GPS रिसीवर। और एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे लिडार डेटा अक्वायर कर सकते हैं। फिर 163348, ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है जो नासा ने बोला है कि वो अर्थ के पास से जाने वाला है 6 जून 2020 को, लेकिन ये विद इन सेफ लिमिट ऑफ डिस्टेंस रहेगा। फिर एस्ट्रॉइड्स सन को ऑर्बिट करते हैं, स्मॉल बॉडीज होते हैं सोलर सिस्टम में, मेटल्स और रॉक से बने होते हैं और ये शॉर्टर और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं इनके पास। कोमा या टेल एटमॉस्फेयर होता है ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं और जुपिटर और मार्स के बीच में मिलते हैं। कॉमेट्स, ये भी सन को ऑर्बिट करते हैं, रिलेटिवली स्मॉल बॉडीज होते हैं सोलर सिस्टम में, दे आर मेड अप ऑफ आइस एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड हैव एन एसेंट्रिक ऑर्बिट। नाउ दे व्हेन कॉमेट्स अप्रोच द सन, सम पार्ट ऑफ द आइस मेल्ट्स एंड द अदर मटीरियल वेपराइजेस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो कुछ मेल्ट हो जाता है, कुछ वेपराइज हो जाता है, तो एक ग्लो हैलो टाइप का आता है जो एक्सटेंड करता है स्पेस में। देयरफॉर अ थिन एटमॉस्फेरिक टेल इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोज टू द सन, एक टेल बनती है जो जब सन के पास हो तब।